सु दिए है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से वो भी दबंग 3 के बारे में। जी हाँ, इसका ट्रेलर आने वाला है और उसको लेकर क्या क्या तैयारियां की गई है, क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी वो मैं आपको बताता हूँ। आपको बता दूं सबसे पहले तो 24 घंटे का वक्त मुश्किल से रह गया है क्योंकि आज 22 तारीख है, कल 23 तारीख है, कल इसका ट्रेलर आने वाला है। एक्साइटमेंट अपने चरम पर है और ये खबर मैंने आपको बताई थी बहुत पहले। और यहाँ पर सबसे बड़ी यहाँ पे अपडेट ये है कि यहाँ पे मुंबई में एक सलमान खान का फैन क्लब है, उस फैन क्लब के करीबन 50 मेंबर जो होंगे वो सलमान खान के चुलबुल पांडे की कॉस्ट्यूम में नजर आएंगे, सलमान खान के साथ शायद नाच गाना करेंगे, कुछ ऐसा भी है। और साथ ही ये प्लान हो रहा है, ऑनलाइन कंटेस्ट रखा गया सबसे पहले, उस ऑनलाइन कंटेस्ट में ये कहा गया कि अगर आप सलमान भाई के फैन हैं तो क्यों है 150 वर्ड्स के अंदर बताइए, ऑनलाइन एंट्री है, सब एंट्री कर दो, उसमें से कुछ लकी जो होंगे उसको सलमान खान से सवाल पूछने का मौका मिलेगा, इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। और ये इसके अलावा ये जो इवेंट है ये अपने आप में बहुत ही ग्रैंड होगा क्योंकि ये इवेंट एक सेकेंड रुके, 10 शहर में ये इवेंट जो होगा वो लाइव टेलीकास्ट होगा और वो 10 शहर में से, बाकी जो शहर मैं आपको बताता हूँ मुंबई के अलावा, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, इंदौर, लखनऊ, इस तरह के सब शहर होंगे जहां पे पूरा जो इवेंट होगा वो लाइव होगा। अभी तक लोकेशंस डिस्क्लोज नहीं की गई है लेकिन चांसेस बहुत है, इट टुड बी समवेयर इन जुहू, बट स्टिल नो 100% अपडेट इज देयर, बट यस एक बड़ा ग्रैंड लॉन्च हो रहा है। और मेरे ख्याल से ट्रेलर को लेकर इस तरह का बड़ा ग्रैंड लॉन्च मैंने शायद ही नहीं देखा है अभी तक, और बहुत बड़े तौर पे हो रहा है जिस तरह से अक्षय कुमार की हाउसफुल 4 के टाइम पे मैं देखा था, अकोला से, सतारा से, है ना, नागपुर से, हर जगह से उनके फैन क्लब्स आए थे और मुंबई से भी आए थे, वैसे ही यहां पर भी सलमान खान के फैन क्लब्स आ रहे हैं, यानी कि एक बड़ी बात है, एक बड़ी अच्छी बात है। ये जो फैन क्लब्स होते हैं सालों साल एक स्टार को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, है ना, उनकी हर छोटी बड़ी चीजों के बारे में बताते हैं लोगों को, और उन्हें भी जो इज्जत देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो अक्षय कुमार देते आए हैं और सलमान खान भी देते आए हैं, ठीक है, जो काफी अच्छी खासी बात है। एंड नाउ एक बड़ी अपडेट यहां पे बता दूं जो शायद अभी तक आपको पता नहीं होगी, वो बड़ी अपडेट पता ये है कि इस फिल्म का ट्रेलर जो आएगा ये दबंग 3 का, उसमें एक गाना होगा मुन्ना बदनाम हुआ। जी हाँ, सलमान खान का वही गाना जिसके बारे में बहुत चर्चा है, गरम है, और इस गाने में सलमान खान के साथ नजर आएंगी वरीना हुसैन। आपको पता ही है ये गाना मुंबई के महबूब स्टूडियो में शूट हुआ था और ये गाना 3-4 महीने पहले, और ये गाने में ये गाने की कुछ झलक होगी, मतलब 5-10 सेकेंड क्या कुछ ट्रेलर के बीच में इतना पार्ट होगा, पूरा नहीं होगा। और ये गाने में अब देखना ये होगा किस तरह से वरीना हुसैन जलवा भी खेलती सलमान खान के साथ, वहीं इस फिल्म में सई मंजरेकर, साथ ही कचकिचा सुदीप और रज्जू हमारी यानी कि सुनारी सिन्हा, सलमान खान, ये सभी मौजूद होंगे, प्रभु देवा सावी सभी मौजूद होंगे इस ट्रेलर लॉन्च इवेंट पे, यानी कि एक बड़ा ग्रैंड धमाल चीजें होने वाली है। लेट्स होप एंड विश कि मुझे भी किसी तरह से एंट्री मिल जाए, कहीं से चांसेस मिले जाने का, अगर मौका मिलता तो मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन आई कैंट से एनीथिंग बिकॉज इतने बड़े इवेंट में जल्दी मौका नहीं मिल पाता है, सो यू ऑल ऑल्सो नो, बट होप फॉर द बेस्ट कि ये फिल्म धमाल करे और ये ट्रेलर का जो कल ग्रैंड लॉन्च है ये बड़े तौर पर हो। और जो एक्साइटिंग डिटेल मैंने बताई उसे कितने खुश है, कितने इत्तेफाक रखते हैं जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिलहाल कितना ही दोस्तों।